कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है। हमारी बच्चियां बुरका निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरी जबान से उम्मीद की बात निकलेगी। मेरी जबान है। भाईजान भी मैदान में आ गए हैं। जिन्होंने जुनेद और नसीर को मारा, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। कर्नाटक से राजस्थान तक भाईजान की जुबान शोले उगल रही है। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? मुसलमानों की सरपरस्ती का ख्वाब और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर गड़ाए असदुद्दीन ओवैसी एक महीने में दूसरी बार राजस्थान पहुंच रहे हैं। इस बार सीधे सीएम अशोक गहलोत के गढ़ बाड़मेर में ओवैसी भाईजान हुंकार भरेंगे। राजस्थान विधानसभा में एंट्री का इरादा रखने वाले ओवैसी फिर जज्बाती मुद्दों के सहारे सहानुभूति का दाव चलेंगे। जिन्होंने जुनेद और नसीर को मारा, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। ओवैसी की नजर सूबे की 40 विधानसभा सीटों पर है। राजस्थान के 18 जिलों में मुसलमानों की प्रभावी मौजूदगी है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में मुस्लिम आबादी खासा असर रखती है। इस इलाके में 40 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 29 सीटें जीती थीं। ओवैसी इन्हीं सीटों पर अपना भविष्य देख रहे हैं, इसीलिए फरवरी में ओवैसी डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ टोंक पहुंचे थे। चुनाव होने के बाद में वो कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि राजस्थान के अंदर ओबीसी कोई नुकसान किसी पार्टी को कर पाएंगे। ओबीसी साहब के लिए तो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की भी टीम है और उनका प्रयास ही होता है कि कांग्रेस के यदि कहीं पे कांग्रेस को वोट मिल रहा है तो कांग्रेस को कैसे डैमेज किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी पिछले 3 महीने में राजस्थान के करीब 3 दौरे कर चुके हैं और खासतौर पर उन इलाकों में दस्तक दे रहे हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है। भरतपुर और अलवर के अपने पिछले दौरे में ओवैसी ने यह साफ कर दिया था कि मुस्लिम वोट बैंकों के जरिए सत्ता में भागीदारी हासिल की जा सकती है। इसके बाद वो सचिन पायलट के इलाके टोंक में गए और वहां पर भी यही बातें कही। अब एक बार फिर ओवैसी राजस्थान के दौरे पर है और इस बार निशाने पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा। ओवैसी का सियासी सपना सिर्फ राजस्थान तक महदूद नहीं, मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और ओवैसी की पार्टी कर्नाटक में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है। आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुरका निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में AIMIM ने JDS का समर्थन किया था, लेकिन इस बार ओवैसी खुद अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। कर्नाटक में करीब 16% मुस्लिम आबादी है। उत्तर कर्नाटक में मुस्लिम आबादी असरदार है। सूबे की 60 सीटों पर मुस्लिम वोटर असर रखता है। कर्नाटक के शहरी इलाकों में मुस्लिम वोट ज्यादा है, इसीलिए ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है, टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? ओवैसी का सपना खुद को मुसलमानों के नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना है, इसीलिए वो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक चुनाव लड़वा चुके हैं। अब इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ओवैसी राजस्थान और कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। रोड बनवाई, फिर क्या करोगे? 14 तारीख को आसमान पर पतंग दिलाना है तुमको, खींचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज़।